फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स आप देखते हैं हमारे चैनल पे, हर बार मैं कुछ ना कुछ एक नया टॉपिक और नया सोल्यूशन आपके लिए लेकर आता हूं। तो आज भी मेरे पास एक हैंडसेट है, रेडमी नोट 6 प्रो हैंडसेट है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम यह है, फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, और ये भी एक कस्टमर का है। जैसे आपको पता ही है, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर प्लस मोबाइल रिपेयर शॉप है, जहाँ पे मोबाइल रिपेयर के लिए आते हैं। डेली जो रनिंग फॉल्ट्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, और यही फॉल्ट्स हम स्टूडेंट के सामने लाइव रिपेयर करते हैं, और यही चीज़ आपको भी देते हैं। अगर आप यहाँ पे कोर्स करने आते हैं तो आप स्टूडेंट के ही कस्टमर के मोबाइल पे आपको स्टूडेंट से ही बनवाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे चैनल पे कोई भी एक नया वीडियो अपलोड होगा, कोई भी एक नया सोल्यूशन का वीडियो अपलोड होगा, इमीडिएटली आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें, और बिल्कुल स्किप मत करिए। ये फ्रंट कैमरे का एक पूरा प्रॉपर सोल्यूशन है Redmi Note 6 Pro का, जिसमें हम आपको पूरी लाइनों की, पूरी सप्लायों की नॉलेज देने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो फॉल्ट है ये बेसिकली बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कैमरा ओपन करके बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा पास आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट बैक कैमरा तो इसका वर्क कर रहा है, और यहाँ पे बैक कैमरा लगा हुआ है जैसा आप देख सकते हैं, और यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे किसी और टेक्नीशियन भाई ने दूसरे कैमरे लगा के चेक भी कर लिया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, बैक कैमरा तो इसका वर्क कर रहा है, और अगर मैं इसे फ्रंट कैमरे के लिए यहाँ पे डालूं तो ये फ्रंट कैमरा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये फ्रंट कैमरा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास इसका मैंने डायग्राम बनाया है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi Note 6 Pro हैंडसेट है, फ्रंट कैमरा। तो यहाँ पे इसकी सारी सप्लाइयों की नॉलेज हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको, कौन सी सप्लाई कहाँ से आ रही है सब कुछ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पीसीबी से हम यहाँ पे बैटरी को रिमूव कर लेते हैं और पीसीबी को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जो कनेक्टर्स लगे हुए हैं, चार्जिंग का पत्ता और डिस्प्ले का पत्ता, पावर की, सब कुछ यहाँ से निकाल लेते हैं और पीसीबी को बाहर निकालते हैं। और उसके बाद कूल टेस्टिंग करेंगे, कूल टेस्टिंग करके चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई सप्लाई ब्रेक तो नहीं है, कोई लाइन ओपन तो नहीं है। तो यहाँ पे कैमरे हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं दोनों कैमरे, और इसके बाद ये बैक कैमरा है, क्योंकि पीसीबी पे काम करने से पहले आपको कैमरे यहाँ से रिमूव करने हैं, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कैमरे रिमूव कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरे की सप्लाई दी गई है। तो यहाँ पे मैं आपको कूल टेस्टिंग करके यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे कहीं शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है, या कोई लाइन ओपन तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग आती है तब भी चेक करेंगे, और कोई लाइन ओपन हो जाती है तब भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीमीटर को रखते हैं बजर मोड पे, यहाँ पे बताना चाहूंगा मैं, ये देख सकते हैं मल्टीमीटर को बजर मोड पे मैंने रख लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको सप्लाई थोड़ी सी समझा देता हूँ कहाँ से सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, ये 24 पिन का कनेक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कनेक्टर है 24 पिन का, यहाँ पे कनेक्टर है जो कि कैमरे का है। तो यहाँ पे जो सप्लाई आती है फ्रेंड, जो ऊपर की लाइन की अगर बात करें, यहाँ पे आपको EMI फिल्टर्स मिलेंगे, जिसे आप डुअल कॉइल भी बोलते हैं, या कोई नॉर्मल भाषा में कॉइल भी बोलते हैं। तो ये डुअल कॉइल होते हैं, EMI फिल्टर्स जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो सप्लाई आती है बेसिकली वो CPU से आती है, यहाँ पे डाटा और क्लॉक की सप्लाई आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कॉइल आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, और वन साइड ये CPU से कनेक्टेड है, सब पे आपको CPU से सप्लाई आएगी। और यही सप्लाई कनेक्टर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 पिन जो है इसका ग्राउंड है, और 23-22 में आपको सप्लाई आनी चाहिए, फिर एक ग्राउंड, फिर दो सप्लाई, फिर एक ग्राउंड, फिर दो सप्लाई, फिर एक ग्राउंड, और फिर दो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो कॉइल है, ये दो यहाँ पे एक नंबर और दो नंबर के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसके साथ फ्रेंड्स, ये तो हो गई CPU से सप्लाई, एक साइड का कनेक्टर मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरे साइड में यहाँ पे 3 नंबर पे अगर देखें आप, तो 3 नंबर पे ग्राउंड है इसके, और 4 नंबर इसका
जो कि AVDD की सप्लाई है जो कि LDO से आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक LDO से कॉयल के थ्रू होते हुए यहाँ पे चार नंबर पे मिलेंगे आपको, जो कि 2.8 की सप्लाई है। और उसके बाद एक ग्राउंड मिलेगा आपको, उसके बाद एक M क्लॉक करके सप्लाई आएगी जो कि सीधा CPU से आती है। और उसके बाद एक रीसेट लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सात नंबर जो है इसकी रीसेट है, रीसेट लाइन यहाँ पे सात नंबर। उसके बाद I2C सप्लाई जो कि SDA और SCL, आठ नंबर पे आपको सीरियल डाटा की सप्लाई मिलेगी और नौ नंबर पे आपको सीरियल क्लॉक की सप्लाई मिलेगी। और दस नंबर जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, दस नंबर VSYNC करके एक पिन होती है जो कि बाजू में जो दूसरा कनेक्टर है कैमरे का उसके साथ जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे आपको कोई वैल्यू या रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर पे जो आप देख रहे हैं एक LDO के थ्रू एक आपको सप्लाई आएगी कैमरा DVDD जो कि 1.05 वोल्ट होता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं LDO है। यहाँ पे VPS सप्लाई मिलेगी चार नंबर पिन पे LDO की, और यहाँ पे EN सिग्नल आपको तीन नंबर पे मिल रहा है जो कि PM660L से आ रहा है। और इसे इस LDO को जो कंट्रोल किया जा रहा है PM660L से, और जो VPS सप्लाई से मिल रही है ये आपको पावर से मिल रही है 660L से। और दो नंबर इसका ग्राउंड है, ये एक LDO है जो कि लोड ड्रॉपआउट जिसे कहते हैं, जो कि 4 वोल्ट को कन्वर्ट करके 1.05 के यहाँ पे आपको वोल्टेज बनाएगा जिसे बफर वोल्टेज भी बोलते हैं, जो कि कैमरे के कनेक्टर के 11 नंबर पिन पे आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.50 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, और 12 नंबर पे आपको VREG 1.8 वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए जो कि सीधा पावर IC से आता है, जो कि प्योर DC होता है। 1.8 वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये कनेक्टर का हमारे पास सप्लाई हमने बनाई है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। और ये किस तरह से बनाया जाता है, इसे कैसे समझा जाता है, ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, यहाँ पे नीचे आपको नंबर दिया गया है, यहाँ पे कॉल करके, व्हाट्सअप करके, SMS करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। हर महीने की 17 तारीख से बैच लगता है यहाँ पे, जिसमें बेसिक टू एडवांस आपको सिखाया जाएगा। और अगर आप एडवांस लेवल का कोर्स करना चाहते हैं MSAP कोर्स, तो आपको वो 27 तारीख से लगता है हर महीने की, जो कि 10 दिन का कोर्स होगा। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीमीटर और ट्रेसिंग और बेसिक काम आता है तो आप एडवांस कोर्स कर सकते हैं। अगर बिल्कुल काम नहीं आता है, फ्रेशर है, तो आप 20 दिन का कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको 10 से 12 घंटे की क्लास होगी, पूरा प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाएगा। और कोर्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपना नंबर और नाम लिख के भेजिए, आपको कोर्स की डिटेल दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। यहाँ पे LCD में बताना चाहूंगा मैं आपको, सबसे पहले ये EMI फिल्टर जो कॉइल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि कहीं कॉइल ओपन तो नहीं हो गया है। तो एक नंबर पे सबसे पहले हम ये कॉइल की सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पे पांच कॉइल है जो EMI फिल्टर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दो में रीडिंग आएगी, एक में ग्राउंड मिलेगा, दो में रेजिस्टेंस मिलेगा जिसे GR भी बोलते हैं। तो दो में GR मिलेगा, एक में ग्राउंड मिलेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी नीचे की सप्लाई जो हमारे पास यहाँ पे डाटा बना हुआ है। तो सबसे पहले इधर लेना, फिर उधर लेना, ठीक। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये जो डुअल कॉइल है सब में रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, मतलब 24 नंबर ग्राउंड है, बाकी दो एक ग्राउंड, फिर दो एक ग्राउंड। तो इस तरह से यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले एक नंबर पे चेक करते हैं, रेड प्रोब को ग्राउंड करना है आपको और ब्लैक प्रोब से चेक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा एक नंबर जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे बीप बज रही है। उसके बाद दो नंबर और तीन नंबर पे हमको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 560 के आसपास रीडिंग मिल रही है, और तीन नंबर पे भी सेम उसके आसपास ही रीडिंग मिलेगी जैसा आप देख सकते हैं 560 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा जैसा आप देख सकते हैं, चार नंबर ग्राउंड, और 5-6 में फिर से वैल्यू मिलेगी 500 के आसपास, 600 के आसपास जैसा आप देख सकते हैं, 5 और 6 दोनों पे आपको वैल्यू मिलेगी। उसके बाद फिर एक ग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राउंड आएगा आपको जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दो पिन पे वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे आप देखिए ये भी हमारा सही है, यहाँ पे भी सही है, और उसके बाद एक ग्राउंड जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राउंड। फिर उसके बाद जो EMI फिल्टर के ये दोनों जगह पे आपको रीडिंग मिलेगी 500 से 600 के बीच में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर का सेक्शन है हमारा बिल्कुल सही है, जो डुअल कॉइल है सब सही है, इसीलिए यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है, GR मिल रहा है।
अब यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, क्योंकि ये डुअल कॉइल की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे एक और दो नंबर पे वैल्यू आना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं एक नंबर पे वैल्यू आ रही है, चलिए दो नंबर पे चेक करता हूँ, तो दो नंबर पे भी आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे भी आपको वैल्यू मिल रही है, और तीन नंबर इसका ग्राउंड होगा, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड परफेक्ट। चार नंबर पे वैल्यू मिलनी चाहिए जो कि 450 के आसपास मिलेगी आपको, और यहाँ पे हमको 2.8 वोल्टेज मिलेगा, वो हम हॉट टेस्टिंग में करेंगे। उसके बाद फिर से एक पांच नंबर पे ग्राउंड मिलेगा आपको, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं पांच नंबर पे भी आपको ग्राउंड मिल रहा है। उसके बाद छह नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे क्लॉक एम क्लॉक की सप्लाई मिलती है जो कि सीधा सीपीयू से आती है। यहाँ पे देखिए 350 के आसपास रीडिंग मिल रही है। सात नंबर जो है इसका क्लॉक, सात नंबर जो है इसका रीसेट की लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 350 के आसपास वैल्यू मिल रही है, जैसा देख सकते हैं रीसेट लाइन भी इसकी सही है। और आठ नंबर जो है इसका डाटा की लाइन है जो कि I2C लाइन होती है SDA, और आठ नंबर पे भी आपको 370 के आसपास मिल रहा है, मतलब ये लाइन भी हमारी सही है। उसके बाद नौ नंबर जो है इसका सीरियल क्लॉक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल क्लॉक पे भी आपको 370 के आसपास रीडिंग मिल रही है, मतलब I2C लाइन भी हमारी सही है। उसके बाद जो 10 नंबर है यहाँ पे आपको NC मिलेगा, क्योंकि ये VSY NC लाइन है जो कि इस वाले पिन के साथ कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाली पिन दो नंबर पिन के साथ कनेक्ट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो नंबर पिन के साथ कनेक्ट होती है, तो ये भी हमारी लाइन सही है। अब यहाँ पे लास्ट के दो लाइन बच गए हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे 11 नंबर पिन जो है, यहाँ पे मैं मल्टीमीटर में बताना चाहूंगा आपको 11 नंबर पिन हमारी यहाँ पे ओपन है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर पे आपको 1.05 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि कैमरा DVDD सप्लाई होती है जो कि LDO से आती है। और यहाँ पे मैं LDO बताना चाहूंगा आपको, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी 11 नंबर पिन है यहाँ की लास्ट सेकंड वाली पिन, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं रेड को ग्राउंड करके आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो ये लाइन जो है इस LDO के एक नंबर पिन से जो आउटपुट हो रहा है ये कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बट यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये कैपेसिटर से इस LDO के इस कैपेसिटर के साथ बीप आनी चाहिए, बट यहाँ कुछ बीप नहीं आ रही है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है 460 के आसपास, और यहाँ से सप्लाई यहाँ पे इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे लास्ट सेकंड वाली पिन पे आनी चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसकी ट्रैक ब्रेक है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब जो हम जम्पर लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से एक जम्पर लेंगे और वो यहाँ पे इस कैपेसिटर के साथ यहाँ से यहाँ तक जम्पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो DVDD की जो सप्लाई आ रही है, जो वोल्टेज आ रहा है इस LDO के थ्रू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार नंबर पे VPS मिल रहा है और तीन नंबर पे इसे EL सिग्नल दिया जा रहा है जो कि PL660L से, और ये दो नंबर ग्राउंड है और एक नंबर इसका आउटपुट है जो कि इस LDO का आउटपुट है 1.05 जो वोल्टेज बना रहा है। ये LDO इस कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पे दो नंबर तक आना चाहिए, और ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक ट्रैक ब्रेक है, जैसा आप देख सकते हैं कोई बजर नहीं आ रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 460 के आसपास रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग यहाँ पे आनी चाहिए 460। चलिए यहाँ से यहाँ तक जम्पर लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जम्पर लगा लिया है, और यहाँ पे मैं आपको कूल टेस्टिंग करके बताना चाहूंगा।
यहाँ पे 11 नंबर पिन पे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 460 के आसपास रीडिंग आ चुकी है, तो ये रीडिंग हमारी यहाँ की रीडिंग है, सेम रीडिंग यहाँ पे आ चुकी है 2 नंबर पिन पे। चलिए अब इसे ऑन करके चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 LDO है, तो ये राइट साइड का जो LDO है उसके ऊपर वाला जो कैपेसिटर है इसका आउटपुट है। यहाँ से आपको इस वाले कैपेसिटर जो कि 11 नंबर पिन के साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ आपको जम्पर लगाना है, और हमारी यही लाइन मिस है जो कि DVDD जो लाइन होती है हमारी कैमरा DVDD जो कि वहाँ पे 1.05 वोल्टेज आना चाहिए 11 नंबर पिन पे, ये हमारी लाइन मिस है। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल को ऑन करते हैं और ऑन करके चेक करते हैं, और यहाँ पे कैमरा लगा देंगे। नॉर्मल केबल फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है, और ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। किस तरह से कैसे आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, आपको ये प्रॉपर सप्लायरों की नॉलेज होगी तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैमरा चेंज करेंगे और कैमरा चेंज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो या तो आप पावर वगैरह पे काम कर देंगे या तो CPU रिवॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से तुक्केबाजी से काम नहीं करना है, आपको प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। तो चलिए यहाँ पे एक बार इसे ऑन करते हैं और ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक कैमरा तो हमारा ऑलरेडी वर्क कर रहा था, और अभी फ्रंट कैमरा देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट कैमरा भी अभी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रॉपर सोल्यूशन हो चुका है। जैसा आप देख सकते हैं बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, बैक कैमरा तो ऑलरेडी काम कर रहा था और ये फ्रंट कैमरा, तो ये एक प्रॉपर आपको सोल्यूशन हमने बताया है। ये फोनफिक्स हैदराबाद टीम की तरफ से आपको ये वीडियो है, और इसे पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें कि किन टॉपिक पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। और हमारे चैनल के नीचे वीडियोस लिस्ट में जाइए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और MMC रिलेटेड काफी सारे वीडियोस हैं जिसमें आपको बहुत ही सॉल्यूशंस हैं जिसे आप मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। और ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, हर महीना 17 तारीख से बैच लगता है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।